किसानों के लंबित भुगतान के विरोध में भाजपाइयों ने मंगलवार को ऑनलाइन धरना देकर सरकार के विरुद्ध रोष जताया। इस दौरान सिरसिया क्षेत्र आवास में भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने ऑनलाइन धरना देते हुए किसानों के हक में आवाज बुलंद की। इधर अन्य स्थानों पर विभिन्न पार्टी नेताओं ने भी धरना दिया और ऑनलाइन माध्यम से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई। बताया गया कि नवंबर 2020 में किसानों के खरीदे गए धान का क्रय मूल्य का भुगतान अभी तक राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के निर्देशानुसार प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता अपने आवासीय परिसर में किसानों के समर्थन में एक दिवसीय धरने पर रहे और किसानों के धान क्रय के भुगतान की मांग की। इस बाबत भाजपा नेताओं ने कहा कि अगर किसानों का धान क्रय नहीं किया गया और उनका पहले से जो धान खरीदा गया था उनका भुगतान नहीं किया गया तो किसानों के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, इसलिए सरकार जल्द से जल्द उन किसानों के बारे में कुछ सोचे। आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा के सांसद श्रीमान दीपक प्रकाश जी के आदेशानुसार हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह के कार्यकर्ता वर्चुअल के माध्यम से दो घंटे की हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। एक दिवसीय धरना के माध्यम से आज महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे कि झारखंड की सरकार, जेएमएम की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा किसानों का धान क्रय करने के बाद आज तक उसका भुगतान यह सरकार ने नहीं किया है। अभी जो झारखंड सरकार में जो स्थिति है, झारखंड की जो स्थिति है, आज वैश्विक 19 कोविड महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे विषम परिस्थिति में खास करके जो किसान भाई हैं जिन्होंने अपना धान सरकार के साथ बिक्री किया, सरकार 80% धान खरीदने का वादा किया था, हमको लगता है कि 30-40% ही किसानों ने अपना धान सरकार को दिया। इसके बाद भी किसान का पैसा आज बकाया है। रोहिणी नक्षत्र 25 तारीख को पड़ रहा है, 25 मई को रोहिणी नक्षत्र पड़ने जा रहा है जब किसान बीज बोने के लिए शुरू करेगा और आज किसान के हाथ में पैसे नहीं है। नवंबर में 2020 में झारखंड सरकार ने किसानों का धान क्रय किया था लेकिन उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया। उसके बाद 6 महीने के बाद कहा गया कि अभी धान गीला है, सूखा नहीं है। ऐसे स्थिति में इस वैश्विक महामारी कोरोना के समय किसानों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है, जबकि किसान का धान पड़ा पड़ा सड़ रहा है या तो फिर किसान बिचौलियों के माध्यम से औने पौने दाम में अपना धान बेच दे रहा है। हम लोग झारखंड सरकार से एक ही मांग करता हूं कि आप जो किसानों का 2020 और 21 में जो धान आप सरकारी पैक्स बैंक में लिए हैं उनका जितना जल्दी हो सके आप अविलंब उनके खातों में पैसा भेजने का काम करें, क्योंकि आप जानते हैं वैसे भी लॉकडाउन का महामारी चल रहा है जहां किसानों का इनकम ठप हो गया है, इनकम बंद हो गया है और आने वाले 1 महीना में फिर से धान का खेती लगाना प्रारंभ करेंगे किसान भाई और उनके खाते में पैसा पिछला साल का अभी तक आप नहीं दे पाए हैं। तो मैं झारखंड सरकार, हेमंत सरकार से अपील करता हूँ, आज पूरे झारखंड के सभी भाजपा कार्यकर्ता धरना पर बैठ कर एक ही मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके किसानों का पैसा आप उनके खाता में भेजें ताकि फिर से वह अपने फसल को लगा।